मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। रांची के सीसीएल मुख्यालय में सीसीएल का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सीसीएल कर्मियों ने भाग लिया है। सीसीएल प्रबंधन की ओर से बड़ी संख्या में कर्मियों के प्रोन्नति और अन्य सुविधाएं देने की घोषणा की गई है। वहीं सीसीएल की ओर से छात्र छात्राओं के लिए कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और आइए इस आयोजन का साक्षी आसमान बने, उसके सितारे बने। ये जो बलून है, हॉट एयर बलून से हम आसमान में उड़ाना चाहते हैं। आप बहुतों के हाथ में है, आप जहां भी खड़े हैं वहीं से ये बलून उड़ाएंगे, ताकि हम आसमान के सितारों को भी आमंत्रित कर दे कि सीसीएल 3 दिनों का आयोजन कर रहा है। जी सर प्लीज, 1 2 3। क्या बात है, क्या अद्भुत सा नजारा है। वाकई वाकई वाकई, चल पड़े ये गुब्बारे। ये 3 दिवसीय आयोजन जो है आज कल और परसों का, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे और बहुत कुछ नया हम कर जाएंगे, और इसी का आमंत्रण हम अपने आसमान को भी दे रहे हैं। ये धरती तो पूरी शामिल है ही है, इसके साथ आसमान भी शामिल हो जाएगा। और ये गुब्बारे निकल पड़े हैं अपनी अनंत यात्रा पर, जहाँ से आशीर्वाद देवी देवताओं का हमें मिलता रहेगा, और इस तरह से हम एक भ्रष्टाचार क्रम के लिए चलेंगे, जहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होने बाकी हैं। धन्यवाद सर, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। देखिए, स्थापना दिवस पे कोई टारगेट हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, सिवाय इसके कि इसको एक उत्सव के रूप में मिलजुल कर पूरी टीम बनाए इसको, और बहुत अच्छे से हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं, जिसमें सब लोगों का सहभागिता होती है। ये क्षेत्र लेवल पे भी होता है, और यहाँ हेडक्वार्टर में भी आप देख रहे हैं रंगारंग कार्यक्रम भी हम लोगों ने आयोजित किया है, सुबह से कार्यक्रम चल रहे हैं। और जो हमारा उत्पादन का लक्ष्य है वो अपनी जगह पे है, वो उसको तो हम लोग पूरा करने ही वाले हैं। पिछले वर्ष भी किया था, इस बार भी हम लोग 84 मिलियन टन क्रॉस करेंगे, और लक्ष्य हमारा ये है कि अगले वर्ष वित्तीय वर्ष में हम लोग सैकड़ा काकड़ा पार करें, और उस श्रेणी में अपने आप को सीसीएल को ले जाएं। जो उम्मीद, जो आशा भारत सरकार, मंत्रालय और हमारा सीआईएल हम पर भरोसा करता है, उसको पे खरा उतरें। फिलहाल आज के दिन हम लोग अपने सहयोगियों का, अपने कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रखते हैं, उनके साथ मिलजुल के हर्षोल्लास से मनाते हैं, उनका प्रमोशन ऑर्डर्स आज इशू करते हैं। लगभग 1163 प्रमोशन ऑर्डर्स इशू किए गए हैं इस वर्ष, और ऐसे ही प्रोत्साहन के बहुत सारे कार्यक्रम और किए जाते हैं, काफ़ी अवार्ड्स दिए जाते हैं। अभी इस बार कोल इंडिया के स्तर पर भी सीसीएल को सुरक्षा के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में अव्वल पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार दिया गया है, जिसके लिए हमारे CMD साहब गए हुए हैं, मंत्री जी के महोदय के हाथ से वो ग्रहण करेंगे, और इस तरह कुछ हमारे GMs को और बाकी HODs को भी अवार्ड्स दिए गए हैं। इसी तरीके से हम लोग सीसीएल स्तर पर भी जो हमारे अच्छे परफॉर्मर्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया साल भर, उनको भी हम लोग बृहत रूप से प्रोत्साहित करेंगे, उनका भी अवार्ड दिया जाएगा, और उसका एक अलग कार्यक्रम फिर से हम लोग आयोजित करेंगे। ये अभी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। जो भारत सरकार की एक संस्था है CVC जिसको बोलते हैं, CVC के तत्वाधान में ये पूरे जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है हर जगह ये सतर्कता जागरूकता, और इस अवसर पर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए, ताकि हमारे दैनिक लाइफ में भ्रष्टाचार विदा हो, उसके लिए ये जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और ये जागरूकता लोगों में पैदा हो, बच्चों में पैदा हो, क्योंकि बच्चे ही हमारे नींव के ईंट हैं। तो ये प्रोग्राम इसलिए किया गया है कि ताकि हमारे बच्चे, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी, ये सारे लोग अपने अपने काम को सुचितापूर्वक करें और किसी प्रकार की गड़बड़ी न करें, और देश को आगे बढ़ाने में सही तरीके से सही डिसीजन लें,
और जो भी डिसीजन ले वो राष्ट्र के हित में हो, कंपनी के हित में हो, इसकी जागरूकता फैले। ये हम लोग साथ साथ स्थापना दिवस के साथ साथ विजिलेंस अवेयरनेस वीक का भी आयोजन चल रहा है। 7 दिनों का कार्यक्रम है ये, जिसमें आज 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का शुरुआत हुआ है। क्योंकि हमारा देश उत्सवों का, रंगों का देश है, इसलिए हमारा प्रयास है कि इस रंगीन वातावरण में, उत्सवी माहौल में सतर्कता का संदेश दें कि हर व्यक्ति करप्शन को ना करे और देश के प्रति समर्पित रहे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।